वो भी ऑर्गेनाइज कर देंगे, एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि भाई देखो अभी कल का व्लॉग हो रहा है अपलोड। हाँ मेरे को पता है कि मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं अपलोड किया था, बट लीव दैट। और अभी अपलोड जैसे होता है वो वाला व्लॉग, फिर उसके बाद आगे का हम लोग व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर मुंबई में हो रही है बारिश, ठीक है, और हल्की बारिश हो रही है, लेकिन कल रात से बारिश हो रही है। कल रात को थोड़ी तेज हुई थी बारिश, फिर अभी सुबह में मैं देखा मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मतलब कि ना ज़्यादा तेज थी ना ज़्यादा स्लो थी, बट मीडियम रेंज की बारिश थी। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब आ चुकी है मुंबई में बारिश, क्योंकि अब बारिश होने लगा है कंटिन्यू यहाँ पर। और मेरे को इस बात का डर है कि बारिश के टाइम में हम लोग का काम जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है यार। हम लोग आउटडोर शूट नहीं कर पाते यूजली, मतलब जैसे रोड वोड का अगर सीन है। अरे यार एक कौवा आ जाता है यार यहाँ पर, क्या बात है भाई। तो जैसे कि आउटडोर जो सीन्स होते हैं ना, तो जैसे रोड वोड का सीन हो गया या किसी भी तरह का, तो क्या होता है कि हम लोग बाहर शूट नहीं कर पाते हैं। और बारिश के टाइम पे तुम समझ रहे हो कि बारिश के टाइम पे शूट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी रेन हो जाता है, तो शूटिंग पे भी पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है, मतलब कि सब कुछ लेकर, मतलब जितने भी आपके टेंट वेंट लग रहे हैं, खाने पीने के, खाने वाने के जो टेंट लगते हैं ना लंच के लिए, और ये सब में मतलब कि वो सब में ताड़पत्री होनी चाहिए, और तुम्हारा रेनकोट वेनकोट फलान डिगान, मतलब हर चीज होना चाहिए, छतरी वतरी। और तुमको पता है, तुम समझ ही रहोगे कि भाई बारिश में तुम, एक तो बारिश हो रही है और उसमें तुम काम करोगे किचकिच में, तो ऐसा शूट वूट करोगे तो भाई उतना जमता नहीं है। तो यूजुअली अब बारिश के टाइम पर ज्यादातर इंडोर शूट्स होते हैं, जो बंगलों के अंदर हो रहे हैं या किसी घर के अंदर हो रहे हैं, तो इंडोर शूट ज्यादा होता है या स्टूडियो के अंदर हो रहा है। और वही उसी का मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि भाई पता नहीं कल को काम थोड़ा स्लो ना पड़ जाए बारिश के कारण, क्योंकि भाई बारिश तो अभी जाने वाली है नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने तो बारिश नहीं जाएगी मुंबई में। भाई काफी टाइम के बाद आज जब नीचे गया बिल्डिंग के नीचे ऐसे चाय वाय पीने, रोज ही जाता हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम ऐसा होता है ना कि जब मेरे सामने ऐसे गरम गरम समोसे निकलते हैं। तो आज मैं देखा कि गरम गरम समोसे निकले, मैं बोला भाई काफी टाइम हो गया समोसे खाए हुए, तो भाई पहले समोसा खाता हूँ। भाई 4 समोसे लेकर आया हूँ, क्योंकि भाई ये सब चीज हमारे बिहार में से बहुत कॉमन मिलता है, हम लोग उधर बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं जी मुंबई में भी काफी समोसे मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन खाए हुए काफी टाइम हो जाता है यहाँ पे समोसा, मतलब स्पेशली आप बाहर निकलते हो समोसा, मतलब रोज तो हम लोग यूजली ज्यादातर टाइम घर पे ही बनाते हैं, बट मोस्ट कभी कभी काम से हम लोग बाहर रहते हैं तो बाहर भी खाते हैं, तो ये सब चीज मतलब कि कभी स्पेशली बाहर निकल के नहीं खाते हम लोग, लेकिन जब सामने बन के आता है ऐसा गर्मा गर्म निकलता है तो भाई मन मानता नहीं, लगता है कि भाई खाए लो। हाँ तो मेरे भाई लोग जो आप थंबनेल देखकर आए हो, जो पढ़कर आए हो भाई, अब उसके बारे में बात कर लेते, क्योंकि भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका पूरा इलॉन मस्क का और ये अनोनिमस का क्या चक्कर चला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा फिगर आउट किया, सारी न्यूज देखी, मतलब हर तरह के न्यूज ट्वीट सब कुछ देखे, तो अभी जाके पता चला है। देखो पहले बता दे रहा हूँ कि पहली बात है कि एनोनिमस जो एक ग्रुप है वो हैकर्स का ग्रुप है, एक अलग कम्युनिटी है, जिनको एनोनिमस के बारे में नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि एक हैकर्स का ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। अब इसमें 12 साल के लोंडे से लेकर 50 साल का बुढ़ा तक है, ठीक है, तो ये पूरा एक हैकर्स का ग्रुप है जो मतलब कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, कुछ भी दुनिया में गलत होता है, करप्शन होता है, कुछ भी होता है, तो उस पर ये लोग बोलते हैं और उसकी पोल खोल देते हैं, ना कि सिर्फ बोलते हैं बल्कि पोल खोलते हैं। एक टाइम मेरे को ईयर याद नहीं है कि क्या कौन सा ईयर था वो, बट एक टाइम ऐसा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उनके भी कोई एक वेबसाइट को हैक कर लिया था एनोनिमस ने, जहां पे शायद कुछ गलत हो रहा था। लेकिन एक बात याद रखना कि ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है अभी तक वर्ल्ड का कि
जो कोई एक जगह से बैठ के ऑपरेट नहीं करता, इसके हैकर इसमें कोई भी कहीं का भी हैकर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ हैकर इंडिया के हों, कुछ हैकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, मतलब हर जगह के हैकर मिल के यहाँ पे काम करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, ठीक है। उनका एक बहुत फेमस कोट है, वो जब भी कुछ ऐसा बोलते हैं, मैसेज देते हैं, तो उनका एक बहुत फेमस कोट है कि वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये अनोनिमस ग्रुप आज तक पकड़ा नहीं गया है। इनको इसको पकड़ने के लिए बहुत मारामारी, बहुत मतलब गवर्नमेंट ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन इसका एक बंदा आज तक पकड़ा नहीं गया। कौन कहां से ऑपरेट करता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये इतना, ये मतलब कि सबसे डेंजरस ग्रुप है, जो कि सही के लिए काम करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, लेकिन इल्लीगल तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली एनोनिमस हर किसी को एक्सपोज करने का काम करता है। अभी देखो, एनोनिमस ने डायरेक्ट धमकी दी है इलॉन मस्क को, ठीक है। इलॉन मस्क वही जो अभी इंडिया में, अभी इंडिया पूरा वर्ल्ड का भी टॉप बिलेनियर में नंबर वन पे आ रहा था, जेफ बेजोस को पीछे करके, फिर जेफ बेजोस आगे निकल गए, फिर इलॉन मस्क सेकंड पे आ गया। तो भैया उसको क्लियर कट एकदम सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दी है, वीडियो बना के, यूट्यूब पे वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। धमकी में कहा है कि भाई साहब, जो इलॉन मस्क खुद को सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं कि भाई वो मार्स के एम्पायर है, मार्स में एम्पायर खड़ा करेंगे और वहां के एम्पायर वही है, तो इस पे इलॉन मस्क को कहा गया है, एनोनिमस ग्रुप ने कहा है कि भाई साहब आप सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं दुनिया की नजर में, और आप कुछ करना नहीं चाहते हो, ठीक है। तुम जो कर रहे हो खाली अटेंशन पाने के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, और इसके पीछे आपका ह्यूमैनिटी को लेके कोई आपका ये डिसीजन नहीं दिख रहा है जो ह्यूमैनिटी के फेवर में हो, तो ये बात कहा है। फिर ये कहा कि अभी कुछ दिन पहले तुम देख रहे होगे, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि ये हो रहा था कि अभी डॉगी क्वाइन, जिसको डॉज क्वाइन लोग बोल रहे हैं, डॉगी क्वाइन लोग बोल रहे हैं, इस पे इलॉन मस्क का कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा था। हर बात पे डॉगी क्वाइन के बारे में ट्वीट कर रहे थे, और उनको ऐसा मतलब वो ऐसा कर रहे थे कि जैसे कि इलॉन मस्क भाई साहब की डॉगी क्वाइन को लेके चले जाएंगे बहुत आसमान में, बहुत ऊपर हाई रेट पे लेके जाएंगे। और उनके एक ट्वीट, उनका एक ट्वीट था कि बिटकॉइन, पहले वो टेस्ला कंपनी जो उनकी है कार्स की, तो टेस्ला कंपनी का पहले एक ट्वीट था कि वो लोग क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट लेंगे। अगर आप टेस्ला की कोई कार खरीदते हो तो टेस्ला कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रही थी, स्पेशली बिटकॉइन। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका ट्वीट आ गया कि नहीं, टेस्ला बिटकॉइन नहीं लेगी। सो अब इससे क्या होगा कि टेस्ला, ये बिटकॉइन का शेयर बहुत नीचे गिर गया। अब इस पे भी अनोनिमस ग्रुप ने ये बोला है कि आपके इस एक बेवजह के ट्वीट से कितने लोगों का पैसा डूब चुका है मार्केट में, इसका आपको अंदाजा नहीं है। और बात सही है, इस चीज से मैं भी एग्री करता हूं कि भाई आपके एक ट्वीट से जो लोग अपना मतलब प्योर मनी, जो किसी तरह से मेहनत करके पैसा कमाते, क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, शेयर लगाते, उनका तो शेयर डूब गया आपके एक ट्वीट के कारण, तो आप कुछ बढ़िया काम तो नहीं कर रहे हो सर। और कंटिन्यू आप मतलब कि डॉगी क्वाइन पर ट्वीट करो, मतलब सीधा सा कहने का मतलब आप अपने हिसाब से, आप थोड़ा पॉपुलर हो, आपका मार्केट में अच्छा खासा नाम है, तो भाई साहब आप ये कर रहे हो ना कि आप अपने हिसाब से मार्केट को रन करना चाह रहे हो, ठीक है। जो कि अनोनिमस ग्रुप वाले लोग ने बताया कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा, अब तुम्हारा ये सब ड्रामा करो तुम खत्म। क्योंकि तुमको एनोनिमस ने ये भी बोला कि अगर आपको लगता था कि आप इस दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो, तो भैया आप अब आज जाके अपने मैथ से मिले हो, आपसे भी स्मार्ट पर्सन, आपके बराबर का भी कोई स्मार्ट पर्सन एक रूम में बैठा है। तो मतलब कि भाई अगर तुम ये मतलब ट्वीट, मतलब ये जो वीडियो रिलीज हुआ है एनोनिमस का यूट्यूब पे, भाई तुम अगर इसको तुम सुनोगे ना, हिल जाओगे ऊपर से नीचे तक, खुले आम सीधा सीधा धमकी दिया, कुछ घुमा फिरा के उन्होंने कुछ नहीं बोला, एनोनिमस ग्रुप वाले लोग ने सीधी सीधी धमकी दी है कि भाई साहब आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है। और बहुत सारी चीजें उसमें बताई है कि जैसे कि अब देखो, इलेक्ट्रिक कार्स की बात है करें तो इलेक्ट्रिक कार तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक कार का मतलब है कि बैटरी से चलेगी, इलेक्ट्रिक से चलेगी और उसमें बैटरी ही लगेगी। अब बैटरी कौन सी यूज होती है? लिथियम आयन। तो ये भी कहा है कि एनोनिमस ग्रुप वाले लोग ने कि भाई आप जो लिथियम आयन की माइनिंग करा रहे हो, लिथियम की माइनिंग जो करा रहे हो, बहुत टॉक्सिक मेटल मतलब टॉक्सिक मटेरियल होता है। बात सही है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि लिथियम कितना हाई टॉक्सिक मटेरियल है। क्योंकि आप देखना कि फोन में भी आपके जो बैटरी रहती है वो लिथियम आयन बैटरी रहती है, और कभी कभी ये थोड़ा सा कैथोड और एनोड इसके टच में आता है, थोड़ा रिएक्शन हो जाता है, तो कभी कभी फोन भी ब्लास्ट कर जाता है। छोटो इतना छोटी इतनी छोटी सी बैटरी,
जब ब्लास्ट होता है तो मतलब अच्छा खासा किसी के कान उड़ा देते हैं, किसी का मतलब भाई बहुत गंदा इंजर्ड कर देते हैं लोगों को, बहुत गंदी इंजरी होती है उससे। तो आप समझ सकते हो कि भाई लिथियम आयन कितना टॉक्सिक। तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग लिथियम आयन की माइनिंग करवाते हो ये सब, तो ये भी सही नहीं है। मतलब कि इतना हाई लेवल पे, इतना हाई अमाउंट ऑफ लिथियम आयन की जो माइनिंग हो रही है, इस पे भी एनोनिमस वाले ग्रुप ने बोला है कि भाई, और उसमें शायद कुछ ऐसा भी पता चला है कि शायद कुछ कुछ बच्चे भी काम करते हैं, जिसको लेकर एनोनिमस वाले लोग ने शायद बोला है। मैं ये भी पता है कि आपका जो मार्स मिशन है, मार्स पे आप जाने के लिए जो ह्यूमन को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप अर्थ को ही प्रिपेयर करो, आप अर्थ को ही मतलब कि अच्छा बना दो। एनोनिमस भाई साहब के ग्रुप ने ये भी कहा है कि भाई आप जो अपने आप को इतना बड़ा और इतना रिच, इतना अमीर समझते हो, जो आप बने हो, इसमें आपका उतना ज्यादा एफर्ट नहीं है, ये आप सिर्फ गवर्नमेंट की फंडिंग से बने हो। आपने खुद ऐसा कुछ ऐसा बिजनेस नहीं किया है कि जिससे आप बहुत पैसा कमा लिए, जैसे बिल गेट हो गए या फिर जेफ बेजोस हो गए, इन लोग का बिजनेस है। बट इनका एनोनिमस का कहना है कि जो इलॉन मस्क इतने बड़े आज रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं, भाई ये सिर्फ गवर्नमेंट की फंडिंग से बने हैं। और एक चीज जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी ये एनोनिमस ग्रुप के वीडियो से मुझे पता चला कि एनोनिमस ने बताया कि टेस्ला ग्रुप के असली फाउंडर तुम्हारे इलॉन मस्क नहीं है भाई साहब। अब देखो, ये मेरे को भी नहीं पता था कि टेस्ला ग्रुप के, मेरे को भी लगता था कि टेस्ला ग्रुप के असली फाउंडर इलॉन मस्क है, लेकिन वो इलॉन मस्क नहीं है। उसने वीडियो में एनोनिमस ने क्लियर बोला है कि तुमसे पहले जो लोग थे, जो दो लोग, वो तुमसे ज्यादा मच मोर इंटेलिजेंट थे तुमसे, ठीक है। जिनका ये ग्रुप था, ये टेस्ला जिनकी कंपनी थी, वो उनके को फाउंडर थे, उनसे ये कंपनी खरीदा है इलॉन मस्क ने। तो ये जो मतलब कि इलॉन एनोनिमस ने ये बात बोली है कि आपसे भी दो ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे जिनकी ये कंपनी थी, आपने उनसे खरीदा है, आपने खुद ये कंपनी को बनाया नहीं है, यू आर नॉट दी एक्चुअल फाउंडर ऑफ टेस्ला, जो कि भाई साहब मेरे को भी नहीं पता था। तो इन सारी चीजों के ऊपर एनोनिमस ग्रुप वाले लोग ने मतलब अच्छा खासा सुनाया है भाई इलॉन मस्क को। तुम देखो वीडियो भाई, मेरे को तो मजा आ गया वीडियो देख के, क्योंकि भाई एनोनिमस को के बारे में मैं बहुत सुना हूँ अपने मतलब कि, और अभी भी मतलब कि एनोनिमस के से रिलेटेड कुछ भी होता है तो मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि ये एक गजब का हैकर ग्रुप है जो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट में बोलता है, और कभी भी मतलब कि ये ग्रुप ऐसा है कि इसको किसी से डर नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि हैकर्स का ग्रुप है, जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वेबसाइट को नहीं छोड़ा, इलॉन मस्क तो उस क्या बराबर है उसके, आप समझ रहे हो, समझो कि इलॉन मस्क को क्या कैसे हवा में लेके चल दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ा तो इलॉन मस्क को कहां से लेके चलेगा। तो फाइनली मतलब ये सब देख के मतलब अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है। अब देखो और सबसे बड़ी बात है कि एनोनिमस ग्रुप कभी भी इस तरह से किसी के भी ऊपर कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी कमेंट नहीं करता एनोनिमस ग्रुप। वो तभी कमेंट करता है जब उसके हिसाब से उसको कुछ गलत लगता है, एंड आई एम श्योर कि एनोनिमस ग्रुप को कुछ तो गड़बड़ लगा होगा, क्योंकि भाई देखो हैकर्स का ग्रुप है, ऐसे तुम कोई नल्ले लोग का ग्रुप तो है नहीं, छोटे मोटे लोगों का, हैकर्स का ग्रुप है, और उनके पास क्या डिटेल नहीं होगा बे, हर एक चीज का डिटेल होगा उनके पास, मतलब कि उनको सारी चीजें पता होगी, डिटेल में पता होगी, तभी जाके वो लोग इस तरह का बात सामने आके मतलब YouTube पे बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई आई एम श्योर कि फटके जा रहे होगी भाई इलॉन मस्क भाई साहब के, उनको समझ लेना चाहिए कि भाई साहब आपसे ज्यादा भी कोई स्मार्टेस्ट पर्सन है इस रूम में। तो चाचा अभी सब ड्रामा बंद कर दो, क्रिप्टो करेंसी ये सब पे बार बार ट्वीट करना तो सराफत रहो, कुछ अच्छा काम करो। तो भाई बेसिकली ये जब मैं अभी न्यूज मतलब पूरा सर्च किया, जहाँ न्यूज में, यूट्यूब पे, हर जगह पे, भाई मैं पढ़ के मैं हिल गया। अगर तुमको वो एनोनिमस का वीडियो देखना है कि एग्जैक्टली एनोनिमस ने क्या बोला है वर्ड टू वर्ड, तो भाई मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, तुमको पता चल जाएगा क्लियर कि भाई एग्जैक्टली बोला क्या है एनोनिमस ग्रुप वाले लोग ने। भाई अच्छा हुआ कि हम लोग कि कुछ ऑनलाइन मंगाने का सोच रहे थे डिनर के लिए, जोमेटो से मंगाने का, अच्छा हुआ कि मंगाए नहीं, क्योंकि भाई बहुत हेवी बारिश हो रही है। थोड़ा सा नीचे गया, मतलब कि 15-20 फीट का रोड का डिस्टेंस क्रॉस करने में भाई पूरा भीग गया ऊपर से, इतनी हेवी बारिश हो रही है, इतनी जोर की। और भाई अब ये रेगुलर रहने वाला है, 3 महीने तो कम से कम अभी ऐसी बारिश होगी मुंबई में कंटिन्यू दिन रात एक करके। तो भाई यार डिनर में तो कुछ खास लाया नहीं, अपन लोग लेकर आए हैं बिरयानी, लग तो रहा है भूख, सोच रहा हूँ
की बिरयानी खा ही लिया जाए भाई, बहुत जोर की भूख लग रही भाई। दो हाफ बिरयानी मतलब कि एक फुल भाई, दो हाफ इसीलिए मंगाता हूँ ना क्योंकि देखो एक फुल की जो क्वांटिटी रहती है ना थोड़ी सी कम रहती है, समझ रहे हो, और दो हाफ की जो क्वांटिटी रहती है ना वो ज्यादा रहती है, तो टू हाफ इज मोर देन वन फुल। और तुम्हारे भाई का एक हाफ में कुछ होता नहीं है या एक फुल में होता नहीं है। हाँ कभी कभी डाइट वाइट के बारे में सोचता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा कम खाऊं तभी खाता हूँ, नहीं तो भाई अगर भूख लगी है खाना है भाई कम से कम दो हाफ जरूरी है भाई। पहले डिनर कर लिया जाए उसके बाद कुछ। तो भाई अभी तक वीडियो को देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर इन्फॉर्मेटिव चीजें अगर मैं बता रहा हूँ जैसे कभी इलॉन मस्क के बारे में या कोई भी चीज रहती है तो मैं अपने ब्लॉग में उसको कवर कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि मेरे ब्लॉग में तुमको सिर्फ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो भाई वो इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो भाई अगर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।